अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज का व्लॉग है मेरा मफिन ईवा की बर्थडे से रिलेटेड। आज माशाल्लाह माशाल्लाह से मफिन ईवा पूरे 1 ईयर के हो चुके हैं, तो आज के व्लॉग में मैं आपको इनकी बर्थडे सेलिब्रेशंस दिखाऊंगी। लोग कैट से यूजली इतना ज़्यादा प्यार नहीं करते, लेकिन ये कैट्स मुझे मेरे बच्चों की तरह प्यारे हैं, और मैं इसीलिए इनकी बर्थडे बहुत स्पेशल तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। प्रॉपर इसकी इनकी बर्थडे हम लोग आज सेलिब्रेट करेंगे, और डिनर में साथ में हम बारबेक्यू का हमने मेन्यू रखा है। मेरी फैमिली भी आ रही है, इन लॉज तो मेरे हैं नहीं यहाँ पर, हमारे सिटी में वो तो दूर रहते हैं, तो मेरी अपनी फैमिली आ रही है और हम लोग अब यहाँ पर आज बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और ये मेरे पास है ऑलमोस्ट 5 kg चिकन है बारबेक्यू के लिए, और उसको मैं मैरिनेट कर रही हूँ। मेरा बारबेक्यू बहुत फेमस है और हर जगह पे यहाँ पर तो, और इसलिए हम लोग इसकी ना थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी बनाते हैं, क्योंकि हम लोग वैसे ही यूजली इसको खा जाते हैं। रोटी के साथ कम खाया जाता है, वैसे ही मतलब आप चिकन के पीसेस उठा उठा के खाते हो। तो इसमें मैंने पहले दही डाली है, फिर मैंने अपने भाई को बोला था मुझे तंदूरी मसाला ला कर दे, वो नहीं ला, वो उसने टिक्का मसाला लिया है, तो मैंने 1 पैकेट टिक्का डाला और मेरे पास हाफ पैकेट तंदूरी मसाला का भी पड़ा था, मैंने वो भी डाल दिया है। ये 5 kg चिकन के लिए मैं बना रही हूँ, क्योंकि अब मैंने इसमें 1.5 पैकेट डाल दिए, बाकी मैं अपने मसाले डालूँगी। दही डाला, ये 2 मसाले डाले, फिर इसमें मैंने 2 चम्मच भर कर, और ये मेरे पास टी स्पून से मैं डाल रही हूँ, आप टेबल स्पून का हिसाब रखो। मैंने 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का डाला था, दो टेबल स्पून भर के मैंने चॉप्ड ग्रीन चिलीज़ डाली हैं, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसके अंदर डाला है गरम मसाला। अब मैं अब आइडिया से ही डाल देती हूँ, अब तो मुझे इतनी प्रैक्टिस हो गई है, मुझे स्पून्स यूज़ नहीं करने पड़ते। और इसमें मैंने फिर चाट मसाला डाला है, ये इसमें इंग्रेडिएंट्स काफ़ी जाते हैं बट बहुत मज़े के ये बनता है, बहुत मज़े का टिक्का बनता है ये। और यहाँ पे मैंने इसमें कसूरी मेथी डाली है, सूखी कसूरी मेथी डाली है इसमें, अच्छी खासी डालती है, 2-3 टेबल स्पून तक, आई थिंक 3 तक डाल दिए होंगे भर कर। अब मैं इसमें सॉल्ट एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ, 5 kg चिकन के लिए आपको एक्स्ट्रा स्पाइसेस तो डालने ही पड़ते हैं, और कुछ स्पाइसेस ऐसे होते हैं जो अपना टेस्ट डेवलप करते हैं, तो मैंने इसमें कुटी लाल मिर्चें भी डाल दी। अब मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ, हल्दी थोड़ी सी डालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी इसके अंदर आपने, उसका एक अपना स्पेसिफिक टेस्ट होता है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पेपरिका, पेपरिका मेरा ख्याल है मैंने इसमें 1 या 1.5 टेबल स्पून जितनी मैंने डाली होगी। पेपरिका से थोड़ा सा चिकन ज़रा जूसी सॉफ्ट बनता है और इसमें कलर अच्छा आता है पेपरिका डालकर। और अब मैं इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर भी डालूँगी, बिकॉज मैं चाहती हूँ इसका कलर अच्छा आए। तंदूरी टिक्का इसलिए मैं प्रेफर कर रही थी कि उसमें ना कलर होता है ऑलरेडी मसाले में। और अब मैंने इसमें विनेगर अच्छी खासी अमाउंट में डाल दी है, और लास्ट में इसमें मैंने ये जो ग्राइंड किया हुआ है, ये मैंने थोड़ा सा 1 टीस्पून जितना मेथी दाना जो होता है उसको ग्राइंड किया है, और ये ब्लैक पेपर, ये सारे मेरी सीजनिंग्स हैं, ये हर चीज़ मैंने डालकर अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छी तरह से, और इसको फिर मैं 3-4 या 2-3 घंटे, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप 1 घंटे के लिए भी इसको रख सकते हो, आपने इसको मैरिनेट करके रखना है ताकि इसके अंदर तक फ्लेवर्स जाएँ। मैंने इसमें से लेग पीस सारे निकाल लिए थे, क्योंकि अक्सर बारबेक्यू में जब आप सीखों पर लगाते हो तो वो लेग पीस इतना जल्दी कुक नहीं होते और अंदर से ना वो कच्चे रह जाते हैं, तो मैंने वो निकाल लिए थे, बस मेरे पास बड़े पीसेस में चिकन है, और मैंने इसको अब मैरिनेट कर लिया। इसको आप उसमें भी कर, बीफ में भी ही आप रेसिपी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अब घर में सब बैलून्स जो है ना वो कर रहे हैं, ब्लो आउट कर रहे हैं, बैलून्स फुला रहे हैं, और ये मैंने तो डेकोरेशन की है थोड़ी सी घर में की है, बैलून्स के साथ बच्चों की बर्थडे थी तो बच्चों की बर्थडे पे बैलून्स तो होने चाहिए ना, और मेरी मम्मा उनके लिए गिफ्ट लेकर आई हैं, केक हम लोग लाए थे, उनके लिए कैप्स लेके आई हैं, लेकिन वो कैप्स तो पहन ही नहीं रहे थे। और यहाँ मेरा मफिन बैठा हुआ है, मेरा क्यूट सा मफिन, माशाल्लाह 1 ईयर का हो गया है।
हर चीज़ को देख रहा है और इन्जॉय कर रहा है, और ये अब ईवा भी आ गया उसके साथ। दोनों ट्विंस हैं, दोनों आज माशाल्लाह 1 ईयर के हो गए और हर चीज़ को देख रहे हैं कि ये हमारे लिए इतनी अरेंजमेंट की हुई है। अब मैंने मफिन को उठा लिया और अब हम लोग इनका केक कट करेंगे। ओके, नाउ बारबेक्यू स्टार्ट हो चुका है। बना बना के हम लोग भी हॉट पॉट में रखते जा रहे हैं और एक साथ ही खाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, बहुत 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 टेस्टी बारबेक्यू बना था। और जो आप फ्राई पैन में देख रहे हैं, जो रिमेनिंग मसाला बच गया था उसमें हमने थोड़ा सा चिकन और डाला और उसके हम लोगों ने ऑयल डाल के फ्राई पैन में रख दिया कढ़ाई बनाने के लिए। और ये कढ़ाई भी इतनी टेस्टी बनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती इसके फ्लेवर्स कैसे थे। बहुत मज़े का ये आज का मेन्यू था। सही स्पाइसी कढ़ाई थी और हम लोग स्पाइसी ज़्यादा लाइक करते हैं, स्पाइसी फूड्स। ओके, तो अब हम अपना खाना इंजॉय कर रहे हैं। कढ़ाई की शक्ल देखें कितनी मज़े की है। यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक भी करें। मैंने पहले किसी वीडियो में नहीं कहा लेकिन अब मैं आपको कह रही हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलूँगी मैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।